CBSE अनाउंस बोर्ड डेटशीट आ गए वीडियो देखने, थंबनेल टाइटल देख के आ गए। तो गाइस मैंने इतना यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि आप लोग जाके मतलब इतना वीडियो देख लियो कि क्या बताऊँ क्या नहीं बोल सकता मैं। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे मैं सर्च कर रहा हूँ डेटशीट क्लास 12 2021 सर्च पे आ जा रहा है। तो वाई आप लोग टाइमिंग वेस्ट कर रहे हो यार। अभी आपका मैं बोल रहा हूँ अभी आपका डेटशीट आने वाला है दिसंबर में, मीडा में आ जाएगा, तो क्या पढ़ना चालू कर दोगे? मैं बोल रहा हूँ आपका पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का रहेगा फरवरी में, तो पढ़ोगे? पढ़ना चालू करो गाइस यार, यही बोलना चाह रहा हूँ बस आपको। डेट शीट जब भी आए, डेट शीट में बोल रहा हूँ डायरेक्टली वही टाइमिंग पे आएगा, तो क्या करोगे आप लोग? पढ़ोगे ना? तो पढ़ना करो ना, पढ़ना चालू करो। काहे यूट्यूब पे वेस्ट करो टाइमिंग लाइक दैट वीडियोज़ न्यूज़ देखने पे? उन लोग खाली व्यूज़ कमा रहे हैं, अभी मुझे भी कमाना रहा, तो मैं भी ऐसे रोज़ एक एक वीडियो बनाता रहता। अभी आप लोग बोलोगे भैया आप लोग आप भी तो ऐसे बनाया था क्लिक बेट किए, मैं और कोई टाइटल डालता तो आप लोग देखते ही नहीं। अगर मैं और कोई टाइटल डालता तो आप लोग देखते ही नहीं। तो जस्ट आपको इग्नोर करने के लिए, मीन्स आपको इग्नोर नहीं, आपको उसमें लाने के लिए वीडियो में, तो आपको मैंने ये टाइटल डाला तो आप ही, ताकि आप लोग वीडियो को देखो, समझे कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ आपका डेट शीट पक्का गारंटी आएगा मार्च में आ जाएगा, तो आप लोग पढ़ना चालू करोगे कि नहीं? पढ़ो अभी, मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश का पहला पेपर है, फिर PCM वाला जो भी आप लोग का है ऐसा आएगा, पढ़ना चालू कर दो। एक मोस्टली डेट शीट आपका लेट होगा खाली 15 से 20 दिन तक, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, चांसेस यही है। जस्ट मैं बोल रहा हूँ बस पढ़ना चालू कर दो, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ मार्च के मिड से चालू होगा आपका एग्ज़ाम, तो आप लोग पढ़ोगे कि नहीं? पढ़ना चालू करो, एक 20 से 30 दिन लेट होगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। सो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोग पढ़ना चालू कर दो, एंड देन कोई भी फालतू वीडियो नहीं देखो। आपको अगर डेट शीट देखना ही रहता है तो डायरेक्टली आप लोग क्या करो, रोज़ वन और टू टाइम डेली CBSE की वेबसाइट पर जाकर देखो। देखो CBSE जो भी अपडेट देता है अपनी वेबसाइट पर देता है, लाइक देखो एक वेबसाइट है cbse.nic.in और एक है cbseacademic.nic.in, तो ये दोनों वेबसाइट पे आप लोग अपडेटेड रहो। जैसे कोई अपडेट आएगा CBSE अपना अपडेट उस पे ही देता है। ट्विटर पे फॉलो करो, पर ट्विटर पे आप लोग अभी ज़्यादा मत रहो, डायरेक्टली वेबसाइट पे बस गो थ्रू करो, डेली जाके देखते रहो। बाकी कोई भी अपडेट आएगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब पे खुद अपडेट दे दूँगा, बट डोंट गो एंड वॉच ऑल दैट नॉनसेंस वीडियो यार, उन लोग व्यूज़ कमा रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट करो अपना टाइम इन द मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कैसे करते हैं, सैंपल पेपर बुक लो टाइम उसका एक एक रोज, हफ्ते में 2 या 3 सैंपल पेपर सॉल्व करो, कोर्स पूरा करो, ये सब करो, फालतू टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। इन दैन दैट अब कम से कम आप लोग आधा घंटा एक घंटा इसी में देखने में व्यस्त करते हो। सो आई विल रिकमेंड यू टू नॉट टू वॉच दैट ऑल नॉनसेंस वीडियो। अगर मेरा भी तुम्हें पसंद नहीं है तो सॉरी, डिसलाइक कर सकते हो मैंने, अगर आप लोग बोलोगे क्लिक बेट किया तो ठीक है। अगर मैं फालतू टाइटल मतलब अननोन टाइटल डाला तो आप लोग देखते ही नहीं वीडियो, बस मेरा आपको एक देखने के लिए मैंने एक ऐसा टाइटल डाला। तो या आप लोग वीडियो को अगर ठीक है समझ आया, कुछ मोटिवेशन मिला, तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड अगर आपको बेस्ट सैंपल पेपर बुक जानना है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। सो या बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में।